अजम इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ताकतवर सियासी माफिया चाहता है अजम इस्तेहकाम को मुतनाज़े बनाया जाए। इंतहाई संजीदा उमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये चाहते हैं नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सके। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद इलामिये पर कन्फ्यूजन फैल गई, बयानिया बनाया गया, ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को इलाकों से निकाला जा रहा है, मुल्क में कोई नोगो एरिया नहीं, किसी को घर से नहीं निकाला जाएगा। अजम इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना है। अजम इस्तेहकाम हमागीर मुहिम है जिसे मौसर कानून साजी के जरिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही, फौज के खिलाफ मुनज्जम प्रोपोगंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। बनू वाके पर इंतशारी टोले ने प्रोपोगंडा करने की कोशिश की, फौज का रद्दअमल एसओपीज के मुताबिक था। अब मार्च में मुसल्ला लोगों ने शामिल होकर फायरिंग की, तर्जुमान अफवाजे पाकिस्तान का बनू वाके पर रद्दअमल, कहा वाके पर अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करवाया जा रहा, मुसल्ला लोग हजूम में शामिल हुए तो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी, हजूम को कंट्रोल करना फौज की नहीं सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुजाहिरीन राशन डिपो से आटे की बोरियां उठा रहे थे, एक आरजी दीवार को गिराया गया, दूसरे ममालिक के जख्मी बच्चों की पुरानी तस्वीर अपलोड की गई। डिजिटल दहशतगर्द ऐसे हकीकी दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। अदालतें 9 मई वालों को ठील देंगी तो इंतजार फैलेगा। 9 मई के बाद प्रोपोगंडा हुआ कि फौज ने इन्हें रोका क्यों नहीं, इन्हें गोली मार देते, क्योंकि गोली नहीं मारी इसका मतलब ये खुद इन्हें लेकर आए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है कह देता है, फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर किया जा रहा है, ऐसे लोगों को इजहार राय की आजादी का हीरो बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से बॉर्डर लगते हैं ना, लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पे जाएंगे, जाते हैं, दे आर नॉर्मल बॉर्डर्स, वीज़ा सिस्टम है। तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहाँ पे तस्करे पे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है, उन्हीं इलीगल उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में, इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स के 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है, क्या ये फौज नहीं करने। अफगानिस्तान का बॉर्डर 6 मुल्कों से लगता है, 5 मुल्कों से आमदरफ्त पासपोर्ट और वीजे से होती है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शरायत लगाई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का बस एक मुतालबा है, स्मगलिंग करने दी जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं, उन्हीं गाड़ियों में दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज और अकाउंट्स का फायदा भी दहशतगर्द उठाते हैं। भारत भी मौके की तलाश में है कि कब पाकिस्तान की फौज और इदारे कमजोर हों और वारदात करें। एक सवाल के जवाब में कहा पूरी कौम ने खारजी फितने के सरबरा नूर वली की ऑडियो सुनी, वो स्कूल कॉलेजेस और अस्पतालों को बमों से उड़ाने का हुक्म दे रहा है, ये कौन सा इस्लाम है। मुल्क भर में 32,000 से जायद मदारिस हैं, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, बाकी 50% मदारिस का पता ही नहीं, ये मदारिस कहाँ हैं और कौन चला रहा है, क्या ये फौज ने करना है। कॉम 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेलियर है। आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ कॉम 47 का, उससे जाके पूछे ना कि भाईजान वो मकसूद चपड़ासी था और कौन था जी, 2-3 और भी ऐसे लोग थे। तो पहले आगाज तो उधर से जाए ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस का एड्रेस तो खिलाड़ियों को पता है, जाके पूछे क्वेश्चनर उधर सामने सवालनामा रखें और कहें कि जी बेनामी अकाउंट्स का आप हमें हिसाब दें। आप ये और इन 3 सालों में देखें कि दहशतगर्दी ज्यादा हुई तो किसके दौर में हुई, उसको फिर सामने लाएं। ये हाइब्रिड निजाम और ये चीजें नहीं चल सकती। आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्दे जुर्म थी, बेनामी अकाउंट्स का पहले वजीर आजम से पूछा जाए
ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में हाइब्रिड निजाम मजीद नहीं चल सकता। आज का छापा हमारे अराकीन के बयान हल्फी हत्याने का बहाना था, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, पीटीआई को नशिस्तें क्यों मिल रही हैं? बलोचिस्तान, सिंध और केपी में स्मगलिंग कौन करा रहा है? मुल्क में मनुष्यात की स्मगलिंग उरूज पर है, ये कौन लोग कर रहे हैं? इन्हें सामने लाया जाए। हुकूमत का पीटीआई के रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे की तहकीकात के लिए जेआईटी बनाने का फैसला। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे में मुलविस है। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास चंचुआ को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारा गया। छापे के दौरान पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। जराए के मुताबिक पीटीआई सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और दीगर सामान जब्त किया गया। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिस इंफॉर्मेशन का गढ़ बना हुआ था। मुल्क मुखालिफ प्रोपोगंडे में मुलविस कई मुलजिमानों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तमाम सबूत और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को रेड किया गया, रऊब हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट है जो हमने जमा किए हैं। हमारे ऑफिस में पंजाब के एमपीएस के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट। तहरीक इंसाफ की रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी जमात के दफ्तर पर हमला काबिले जवाब नहीं, सर्च वारंट के साथ आते तो आपके साथ तावन करते। पुलिस ने हमारे अरकान के तमाम बयान हल्फी तहवील में ले लिए। असद कैसर ने कहा हमारे एमएनएस को तीन तरह की पेशकश आ रही है, कितने पैसे चाहिए, वजारत चाहिए, नहीं तो केसेस के लिए तैयार हो जाओ। शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावटें डाली जा रही हैं, अदालत जाएंगे। बनू में चार रोज बाद मामूलात जिंदगी मामूल पर आ गए, मार्केट्स और बाजार खुल गए, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। उधर बनू वाके पर कायम जिरगा आज वजीर आला के पी से मुलाकात करेगा। 40 रुकनी जिरगे के मुतालबात से वजीर आला को आगाह कर दिया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे से मुसल्ला अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। असद कैसर कहते हैं बनू वाके को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी का जवाब पैदा किया जा रहा, केपी में ऑपरेशन चाहते हैं ना होने देंगे। बन्नू एहतजाज में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए। वजीरे सफीरान अमीर मुकाम की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इनका मंसूबा था कि मुल्क में लाशें गिर जाएं, कैदी का प्लान था कि मुल्क में खून रेजी हो, एक खास इदारे को निशाना बनाया जा रहा है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि घटिया अफवाहों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अपने अजीज में वापस आऊंगा, आप सब लोगों के पास आऊंगा और इंशाल्लाह ताला एक बहुत बहुत सुपर हिट गानों के साथ जो है वो आपको महसूस करेंगे। मारूफ गुलूकार राहत फतेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की तर्दीद, वीडियो बयान में कहा गिरफ्तार नहीं हुआ, एयरपोर्ट पर आम सी चेकिंग और सवाल जवाब हुए, मेरे खिलाफ दरख्वास्तें दी गई हैं, वो कोई भी दे सकता है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप का शिकार, मरकजी मुलजिमा आमना उरूस गिरफ्तार, 12 साथी भी धर लिए गए। बयान में कहा खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई, खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, मैंने घर बुला लिया। पुलिस के मुताबिक खलीलुर रहमान को 2 घंटे हब से भेजा में रखा गया, 1 करोड़ भत्ते का मुतालबा किया गया। तो ये भी फौज करवा रही है, ये धरना हुआ,
और ये चूँकि हसास नोयत का एक मामला है फ़लस्तीन का आवाम के लिए, तो हुकूमत और इदारे जो उनसे हैं वो इनके साथ उस हसासियत और जज्बातीत को सामने रखते हुए किसी तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बग़ैर तशद्दुद के किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए मसला हल हो जाए। एंड इन द मीनवाइल जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ये जिस तरह अभी आपने इशारा किया कि ये इदारे ने ख़ुद ला के इसको बैठाया, पता नहीं किस मकसद के लिए बैठाया। कल अगर जमात इस्लामी गाज़ा के ऊपर आके बैठेगी और धरना देगी तो आप कहेंगे कि ये भी फौज ने आकर। मुल्क में कोई भी धरना होता है तो कहा जाता है फौज करा रही है। कल को जमात इस्लामी भी धरना देगी तो कहा जाएगा फौज का हाथ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक लबैक पाकिस्तान के हालिया धरने में फौज का किरदार मुस्तरद कर दिया। कहा धरने का मौजू फलस्तीन था, मौजू की हसासियत मद्देनजर रखकर मामला हल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रोपोगेंडा किया गया कि इस धरने में फौज का हाथ है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का गजा पर मौकिफ बहुत वाज़े है, गजा में नस्ल कुशी हो रही जो नाकाबिले कबूल है। वो जो हिम्मत और जवामर्दी है उसकी आप ये मिसाल देखें कि वहाँ और इस तरह की मिसालें फौज में बहुत होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो सिपाही सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पर डाल दी ताकि मेरी कोलेटरल डैमेज ना हो, साथी बच जाएं, लोग बच जाएं। शहीद सिपाही सुभान मजीद ने बहादुरी की दास्तान रकम की। बनू कैंट में दहशतगर्द हमले में बम पर लेटकर साथियों की जान बचाई। DGISPR का कहना है पाक फौज के बहादुर जवानों की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है। बानी PTI का GSU के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा 14 मार्च को जमान पाक पर पुलिस और रेंजर्स ने छापा मारा, 18 मार्च को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर पुलिस ने छापा मारा, अंदाजा हो गया था मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले GSU के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। तोशा खाना का नया रेफरेंस, बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जरा मुकम्मल, मजीद एक गवाह का बयान कलम बंद। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया अहमद जंजुआ से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। अदालत ने 7 रोज़ा जस्मानी रिमांड दे दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी सामने आने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी सूरतेहाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। लाहौर की ATC में 9 मई केसेस की समाअत शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म, समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। मुलजमान के वकला को गवाहों के बयान पर जिरा करने का हुक्म। बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वालों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी न करने का फैसला मंसूख। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, बैरून मुल्क पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सर्कुलर वापस लेने का फैसला।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर इजहार तशवीश, इजलास तलब कर लिया। कीमत का तायुन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। कहा महंगाई किसी सूरत काबिले कबूल नहीं, चिकन की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं होनी चाहिए। उधर वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं। लोग मुख्तलिफ अंदाज में मनफी बातें फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे नहीं गए। असल में इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से फैसले हों तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एहतजाज जारी, मुजाहिरीन का गिरफ्तार साथियों की फौरी रिहाई का मुतालबा, हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, कर्फ्यू के खात्मे और यूनिवर्सिटीज खोलने का भी कह दिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर कर लिया, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी इजलास में शिरकत। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का कोई फैसला सामने नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मुश्तरका तौर पर बनाया था।